नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं कि बिहार में लाखों पदों पर नई नई बहाली आ रही है, उसी में एक और नई बहाली आने वाली है जिसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यानी कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिए होंगे कि 3000 पदों पर बहाली आएगी, इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं कौन से पदों पर बहाली आ रही है और कौन से लोग इसमें आवेदन करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। बस छोटा सा अपडेट वीडियो होगा, लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप भी मैट्रिक इंटर या स्नातक पास कर लिए तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो देखना चाहिए, अपडेट वीडियो है, देख लीजिएगा जरूर। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देख लेने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए, क्या नई अपडेट आई रही है भर्ती से रिलेटेड, सारी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता दें, जो भी ये जानकारी निकल कर आ रही है एक पेपर कटिंग के माध्यम से निकल कर आ रही है, जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। यानी कि ये पेपर कटिंग 13 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया था। इसमें बताया गया, देख सकते हैं हेडिंग में, 3000 सहायक प्राध्यापक होंगे बहाली। ठीक है, जो भी ये भर्ती निकल कर आ रही थी किसका, तो सहायक प्राध्यापक की भर्ती निकल कर आ रही है, जो कि 3000 पद होने वाला है। ठीक है, अब चलिए ये भर्ती कब तक आएगी, क्या इसको लेकर जानकारी दिया गया, थोड़ा पढ़ लेते हैं। वीडियो के अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे कॉलेजों को जल्द नए प्राध्यापक मिलेंगे। राज्य सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 3000 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करेगी, इसकी कार्य योजना तैयारी हो गई है और राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी है। नियुक्ति की प्रक्रिया इस साल हर हाल में पूरा कर लेने की योजना, देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है जो भी नई अपडेट है। यानी कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालय में 3000 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करेगी, जो कि आपके ने थंबनेल पर देख ली होंगे। यानी 3000 जो भी प्राध्यापक होंगे नियुक्त होंगे, इसकी जो कार्य योजना है उसे तेजी से तैयारी कर ली गई है और इसे प्रस्ताव भी मिल गया, यानी हरी झंडी भी दे दी है सरकार। नियुक्ति की प्रक्रिया इस साल हर हाल में पूरा कर लेने की योजना है। ठीक है, जो भी इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया है यानी 2023 में इसे समाप्त कर दी जाएगी, 2023 में पूरी कर ली जाएगी। बताया गया दरअसल इस समय राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, इसके कारण पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। ठीक है, यानी आप सब देखे होंगे विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बहुत कमी होती है, जिसके कारण पढ़ाई नहीं हो पाती, इसी को देखते हुए यानी इसी के कारण पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। लिहाजा अब शिक्षा विभाग ने नई नियुक्ति की योजना पर तेजी से काम शुरू किया है। विभाग की योजना अगले 6 माह में प्रक्रिया पूरी कर लेने की है। ठीक है, जो भी इसकी भर्ती की प्रक्रिया है यानी जो भी एग्जाम वगैरह जो भी है, इसको 6 माह में यानी निपटा दिया जाएगा, यानी 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा। बताया गया जैसे तो और भी जानकारी दिया, बताया गया विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में वर्ष 2022 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यानी अनुशंसित यानी कि जो भी 48 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित कितना, तो 461 सहायक प्राध्यापकों की अनुशंसा पर विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। इनकी नियुक्ति के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय को यानी कि विभाग के अपर मुख्य सचिव जो भी है यानी सचिव और मुख्य सचिव यानी दीपक कुमार सिंह ने पत्र भी भेजा था, इसके बाद इनकी नियुक्ति की गई है। कुछ स्थानों पर प्रक्रिया भी चली है, यानी जो भी इसका यानी है यानी 461 सहायक प्राध्यापकों के अनुशंसा पर विभाग ने कार्रवाई शुरू की थी। इसकी नियुक्ति के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय को यानी कि विभाग के अपर मुख्य सचिव है जो दीपक कुमार सिंह ने पत्र भी भेजा था, इसके बाद इनकी नियुक्ति भी की गई है और कुछ स्थानों पर इसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी तरह बताया गया इस तरह राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण स्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 में 356 विक्रेताओं की नियुक्ति की गई थी और साथ साथ इस क्रम में 3000 अतिरिक्त यानी जो भी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। पिछले दिन शिक्षा विभाग के इस लेकर उच्च स्तरीय बैठक गई है, इसमें नई नियुक्ति का फैसला लिया गया है। इसमें विज्ञान कला वाणिज्य के अलावा अन्य तमाम आवश्यकताओं को विषय के रिक्त पदों को शामिल किए जा रहे हैं। विषय के चयन की प्रक्रिया चल रही है, विभाग इसे शीघ्र अंतिम रूप देगा। ठीक है, यानी अब देखते हैं कब तक इसको लेकर कोई नई अपडेट निकल कर रही है। जैसे नई अपडेट आएगी तो हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पेपर कटिंग चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर ले लीजिएगा, और ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटा बड़ा अपडेट हम उसमें देते रहते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर रही है, जो भी यानी 3000 सहायक प्राध्यापक की होगी बहाली पूरे बिहार भर में। अब देखते हैं कब तक ये बहाली होगी, कब तक इसके अंदर नया अपडेट आ रहा है। आपको क्या लगता है, अपना राय दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।